तो चलिए आज हम बनाएंगे दलिया। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है और साथ में बड़ों के लिए भी। तो कुकर में डालेंगे हम तेल। तो हमने लिए हैं सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए और उसका महक निकल जाए तब हम ऐड करेंगे प्याज और मिर्ची। यहाँ पे हम प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, प्याज का है सिर्फ हल्का कच्चापन खत्म होने तक के लिए। ऐड करेंगे आधा कप से भी कम मसूर की दाल, धोई हुई दाल है। थोड़ा सा दाल को हम फ्राई करेंगे। दाल थोड़ा भुनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे एक कप दलिया। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, साथ में बड़े भी खा सकते हैं। और इसे भी दो मिनट भून लेंगे लो फ्लेम में। अब दो मिनट भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे बड़े साइज के एक टमाटर कटा हुआ। साथ ही डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। और उसके बाद डालेंगे पाव भाजी मसाला आधा चम्मच, जो दलिया का टेस्ट है वो दुगना कर देगा। इन सभी को चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब जो ये कप है इसी कप से हम डालेंगे चार कप पानी, जिससे हमने दलिया एक कप लिए थे। फिर से इन सबको अच्छी तरह से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा इसमें हम कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे, इसलिए कि हमें बच्चे को भी खिलाना है। इसमें मिक्सर लगा देंगे एक सीटी आने तक के लिए। एक विसल लगने के बाद हम गैस को बंद कर दिए और इसमें ठंडा होने दिए। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि दलिया यहाँ कितना बेहतरीन से बनकर तैयार है। और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं और ये हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे सुबह नाश्ता में बनाकर खाएं या शाम में बच्चे को बना के दें। ये दलिया खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।